कहा जाता है कि बिच्छू कभी डंक मारना छोड़ नहीं सकता, ठीक वैसे ही हमारे देश में जो नफरती गुब्बारे हैं वो कभी भी झूठ, फरेब और मनगढ़ंत दावों के आधार पर नफरत फैलाने की आदत छोड़ नहीं सकते। मामला कोई भी हो, उनमें किसी न किसी प्रकार से धार्मिक एंगल जोड़कर ये नफरती गुब्बारे गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। कल रात से ही कई लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया और सबका सवाल एक ही था। ये सवाल बड़ा गंभीर है और उससे भी ज्यादा गंभीर है वो परिस्थिति जो देश में पैदा कर दी गई है, जिसमें गोदी मीडिया का भी भरपूर रोल है और कुछ लपटझंडिस तो ऐसे हैं कि बार बार फटकारे जाने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेते। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आने वाली 23 जून को पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है, मगर उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा है और इस पत्र में कुछ मांगे रख दी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं देश के प्रधानमंत्री इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। चारों तरफ से गोदी मीडिया पर आपको बज रहे डंके की आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन हम आपको फट रहे डंके की आवाज सुनाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से अमेरिका में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मामला बड़ा गंभीर है। बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 के चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसके साथ ही बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसकी आशंका बहुत दिनों से जताई जा रही थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में वो शुरू कर दिया गया है। जरा सी बात कर्नाटक की भी करेंगे, मगर इन सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उस झूठ का पर्दाफाश कर लेते हैं जिसके सहारे एक बार फिर से नफरत के सौदागरों ने अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग घायल हुए। ये मामला CBI की जांच के दायरे में है, मगर हमारे देश में सत्ता के करीबी कुछ गोदी मीडिया के लपटझंडेस खुद को CBI, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और सरकार सभी से ऊपर समझते हैं। सोशल मीडिया पर सुदर्शन न्यूज की यह खबर खूब वायरल हुई। भक्तों ने इसे शेयर करते हुए दावा कर दिया कि देखो उड़ीसा का ट्रेन हादसा मुस्लिमों की साजिश थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि भक्त तो भक्त होता है, उसके पास अपनी खोपड़ी नहीं होती, इनपुट आउटपुट सब कुछ बंद है। सुदर्शन न्यूज ने फर्जी खबर के साथ फर्जी दावा कर दिया। सुदर्शन न्यूज का आधार ही फर्जी है। लगातार कोर्ट से फटकारे जाने के बाद भी सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, लेकिन एक बार आप स्क्रीनशॉट को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? लिखा है कि सिग्नल इंजीनियर आमिर खान ने कराया था बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, CBI ने सीज किया 300 लोगों के हत्यारे आमिर खान का घर। सुदर्शन की खबर पर लग गई मुहर। ये वही सुदर्शन न्यूज है जो किसी भी मामले में जिहाद ढूंढ लेता है, कभी जमीन में, कभी UPSC में, तो कभी हवा में। खुद ही फर्जी खबर पैदा करके खुद ही उस पर फर्जी मुहर लगा देता है। इन लाइनों को पढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति के मन में क्या विचार आएगा? यहाँ साफ साफ लिखा है कि आमिर खान ने कराया था बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, यहां तक कि आमिर खान को 300 लोगों का हत्यारा भी घोषित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जब सुदर्शन न्यूज ने हत्यारे को पकड़ ही लिया है तो फिर CBI वाले अपने टाइम काहे खराब कर रहे हैं? देश की जनता की गाड़ी कमाई का का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है भाई? क्यों ना सुदर्शन न्यूज के मुखिया सुरेश चौहानके को CBI का प्रमुख बना दिया जाए और चौहानके साहब फटाफट सारे मुकदमों का निपटारा कर दें। सुदर्शन न्यूज की ही तरह तमाम न्यूज पोर्टल्स ने इस तरह की खबरें चला दी कि इंजीनियर फरार हो गया है। मामला इतना बढ़ गया कि खुद रेलवे के अधिकारियों को सामने आकर कहना पड़ा कि रेलवे के सारे स्टाफ जांच में सहयोग कर रहे हैं, न तो कोई गायब है और न कोई फरार है। मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ सफाई दे देने से काम चल जाएगा? सुदर्शन न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म जो आए दिन धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, खुलेआम एक धर्म विशेष को जिहादी जिहादी कहकर बुलाते हैं, देश में कहीं भी कुछ भी हो जाए उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बता देते हैं। थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, सुदर्शन न्यूज ने जिस व्यक्ति को सीधे सीधे हत्यारा बता दिया, उसके और उसके परिवार के लोगों पर इस फर्जी खबर का क्या असर हुआ होगा? वे लोग मानसिक रूप से कितने प्रताड़ित हुए होंगे, कितने डर गए होंगे कि उन्हें सीधे सीधे हत्यारा बुलाया जा रहा है। ट्रेन हादसा कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ या फिर तकनीकी खामियों से हुआ, इसकी जांच अभी चल रही है। CBI ने किसी को जिम्मेदार नहीं बताया। फिर कैसे न्यूज और सुरेश चौहान के जैसे लोग इस तरह से फर्जी और मनगढ़ंत खबरें चला सकते हैं? एक और बात ध्यान देने वाली है, इस तरह के जितने भी लपटझंडिस हैं, जैसे ही इनको लगता है कि अब पोल खुल जाएगी, पकड़े जाएंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा, तुरंत खबर को डिलीट करके गायब हो जाते हैं, ट्वीट वगैरह सब डिलीट मार देते हैं। मगर सवाल यह है कि इस तरह के मानसिक आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जब देश में सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि स्टूडियो में बैठकर नफरत फैलाने वाले कितने न्यूज एंकर्स को स्टूडियो से हटाया गया, ऑफ एयर किया गया, तब भी देश की सरकार और पुलिस किसका
क्या इंतजार कर रही है? हालांकि इन पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसीलिए तो आप हमको मानते हैं, हम आपको मानते हैं। कल रात किसी बुजुर्ग ने मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा कि क्या यह खबर सही है कि इस घटना के लिए कोई मुसलमान जिम्मेदार है, उसी ने एक्सीडेंट करवाया है। मेरे एक लाइन के जवाब के बाद वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और तुरंत अपने अंधभक्त दोस्त को जवाब देने निकल पड़े। हालांकि मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि राजनीतिक बहसबाजी सोच समझ कर करें। पिछले दिनों यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करना एक व्यक्ति को बहुत महंगा पड़ गया, इतना महंगा पड़ गया कि जिंदगी गंवानी पड़ी। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने अन्न भाग्य योजना के तहत 10 किलो चावल देने का वादा किया था, मगर केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार एफसीआई राज्य सरकारों को अनाज नहीं बेच सकती, सेठों को बेच सकती है। इसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार कर्नाटक की जनता से बदला ले रही है और राजनीतिक विरोध के कारण ये सब कुछ किया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलने के लिए। आगे आगे देखिए चावल मिलता है कि नहीं, मामला कहां तक बढ़ता है। 23 जून को पटना में विपक्ष की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद देश के राजनीतिक हालात काफी तेजी से बदल सकते हैं, क्योंकि इस मीटिंग में देश की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, बड़े बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है और आग्रह किया है कि विपक्षी पार्टियां इस मीटिंग में सबसे पहले दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश को संसद में हराने पर चर्चा करें। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है और अगर ये सफल हुआ तो केंद्र की भाजपा सरकार सभी गैर भाजपा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों से राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश लागू होने पर दिल्ली से जनतंत्र खत्म हो जाएगा, केंद्र की सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली की सरकार चलाएगी और दिल्ली के बाद अन्य राज्यों में भी ऐसे ही जनतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने यहां तक कहा कि वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि दिल्ली में भूमि पुलिस जैसे 3 मामलों को छोड़कर सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के होंगे, मगर इसके तुरंत बाद केंद्र की सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। मोदी सरकार के इस फैसले की चहुं ओर आलोचना हुई और इसे लोकतंत्र तथा भारत के संविधान के लिए खतरा बताया गया। अब चूंकि अध्यादेश है तो इसे संसद के दोनों सदनों से पास भी कराना होगा। लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत है, मगर राज्यसभा में इसे रोकने का प्रयास अरविंद केजरीवाल बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे राजनीतिक दलों का साथ अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है, कुछ का मिलना बाकी है। देश के प्रधानमंत्री इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस यात्रा को लेकर गोदी मीडिया खूब उछल कूद मचा रहा है हमेशा की तरह। अच्छी बात है, बेचारे अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, मगर एक खबर जो गोदी मीडिया प्रमुखता से नहीं दिखा पाएगा वो ये है कि अमेरिका के 2 सांसदों ने पीएम मोदी के भाषण का बायकॉट किया है। इसके साथ ही 75 सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर कहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री से मिलिए तो उनसे भारत में धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक संकुचन और प्रेस की आजादी को जो कुचला जा रहा है, इसके साथ ही मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उस पर चर्चा जरूर करिएगा। यानी कि भारत में जो कुछ हो रहा है इसकी खबर पूरी दुनिया को है और दुनिया उस पर चिंता भी कर रही है। कांग्रेस वुमेन राशिदा ने लिखा है कि यह शर्मनाक है कि मोदी को हमारे देश की राजधानी में जगह दी जा रही है बोलने की, मानवाधिकारों को कुचलने, गैर लोकतांत्रिक एक्शन लेने और मुसलमानों को टारगेट करना तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों और प्रेस का गला दबाना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है और इन सब से पीएम मोदी का इतिहास भरा पड़ा है। मैं मोदी के जॉइंट एड्रेस का बहिष्कार करती हूं। सोच कर देखिए ये खबर कितनी बड़ी है कि अमेरिका जैसे देश में 75 सांसद भारत में लोकतंत्र की कमजोरी, प्रेस की आजादी में कमी और फैलाई गई धार्मिक नफरत तथा मानवाधिकारों को लेकर चिंतित है। बाकी विदेशी धरती पर भारत के प्रधानमंत्री या फिर किसी भी व्यक्ति का सम्मान हो तो पूरे देश का सम्मान है, वो सम्मान भारत की जनता की वजह से मिलता है, वो किसी का व्यक्तिगत सम्मान नहीं होता है। यदि व्यक्तिगत सम्मान होता तो याद करिए एक वक्त में वही अमेरिका श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश में घुसने की अनुमति नहीं देता था, उसने अनुमति तब दी जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने। यानी कि किसी भी तरीके से दिया गया सम्मान हो या फिर अमेरिका के 75 कांग्रेस सदस्यों द्वारा भारत को लेकर पूछे गए सवाल, ये सब कुछ भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी को मिल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और कहा है कि धर्मांतरण तथा लव जिहाद से दहशत फैल रही है, इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। क्राइम कंट्रोल करने में भाजपा और सपा की सरकारें पूरी तरह से फेल रही हैं। मदरसों की जांच पर भी रोक लगाने की मांग मायावती जी ने की है। उन्होंने कहा है कि यूपी के करोड़ों लोगों के जीवन में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बिजली, पानी और सड़क जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसी ही समस्याओं को मुद्दा बनाकर बीएसपी 2024 में मैदान में उतरेगी। आगे उन्होंने कहा कि यूपी सहित विभिन्न बीजेपी सरकारों को कथित लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, मजार, स्कूल विध्वंस, बुलडोजर राजनीति और नफरत फैलाने वाले बयानों और कार्यवाहियों से देश भर में दहशत का माहौल है जो देश की मजबूती के लिए घातक है। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है, इसीलिए जातिवादी
धार्मिक, सांप्रदायिक व धार्मिक विवादों को जानबूझकर छूट दी जा रही है और सह दी जा रही है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि हिरासत में हत्याएं हो रही हैं, क्रिमिनल्स खुलेआम टकराव कर रहे हैं और सनसनीखेज हत्याओं से लोगों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है, जो कि यूपी में क्राइम कंट्रोल के सरकारी दावे की पोल खोलता है। सपा सरकार की ही तरह वर्तमान सरकार में भी पुलिस प्रशासन बेलगाम है, जिसकी वजह से प्रदेश में कानून का राज और न्याय दुर्लभ होने की चर्चाएं आम है। मायावती ने कहा कि जब हमारी सरकार थी, यानी बसपा की सरकार थी, तो कानून का राज था, हर तरफ कायम था, कोई कानून से ऊपर नहीं था, न कोई बेलगाम था। राजनीति को समझने वाले तमाम जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के कई बड़े नेताओं को जेल का रास्ता दिखाया जा सकता है। टारगेट पर बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कई विपक्षी नेता हैं। आज ही खबर आई कि मुंबई में कोविड सेंटर स्कैम मामले में ईडी ने 15 जगहों पर छापेमारी की है। शिवसेना के नेता संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर पर भी रेड चल रही थी। यहां पर 100 करोड़ के कोविड सेंटर घोटाले का आरोप है। इस मामले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि क्या कार्यवाही की जा रही है वो तो मुझे नहीं पता। बीएमसी में जो कोविड सेंटर बनाए गए थे उनका घोटाला सामने आया है। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि बिना एक्सपीरियंस वाली कंपनियों को तैयार किया गया, लोगों की जान के साथ खेला गया, जिसमें लोगों की मौत हुई। वहीं अब इस तरह की कार्यवाहियों को लेकर सवाल उठने लगा है कि क्या विपक्ष के पीछे ईडी को नए तरीके से छोड़ दिया गया है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी नेताओं को टारगेट करना, उन्हें जेल भेजना, कहीं भारतीय जनता पार्टी को उल्टा न पड़ जाए। जैसा कि पिछले दिनों में देखा भी गया है, अलग अलग सरकारों को गिराना उल्टा नतीजा दे रहा है। कर्नाटक में अभी हाल में आपने देखा है, महाराष्ट्र में भी माहौल वैसा ही है। तमाम उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना के ही नेताओं को गिरफ्तार करके जब जेल में बंद किया गया था और जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस पर तो मामला ही नहीं बन रहा था। यानी कि सीधे सीधे कोर्ट ने पाया कि फर्जी मामला बनाकर शिवसेना के नेता को जेल में बंद कर दिया गया था। बहरहाल आने वाले दिनों में बहुत सारी नई नई कहानियां सामने आ सकती हैं। इंतजार करिए और उससे ज्यादा चिंतन करिए। हमारा काम पसंद आए तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।